प्यारे बच्चों नमस्कार। लीजिए हम लेकर आ गए हैं आपका अपना शिक्षावाणी कार्यक्रम। और शिक्षावाणी कार्यक्रम में आज का सफर आप तय करेंगे आपकी भारतीय दीदी के साथ। और आज के खूबसूरत से सफर में हम बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, वही मनोरंजन से भरी हुई और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी, क्योंकि नाम भी है कार्यक्रम का शिक्षावाणी। तो आज के कार्यक्रम में आपकी दीदी क्या लेकर आई है जान ले। तो सबसे पहले हम सुनेंगे मीना की कहानी, जिसमें आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लाए हैं कहानी तोहफा। उसके बाद बारी है कक्षा 4 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों की, क्योंकि आज तैयार हो जाएं कि आज उनकी कक्षाएं लगने वाली हैं। तो कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं हिंदी का पाठ 3 झीलों की नगरी, जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका सीमा खत्री। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए भी हम लेकर आए हैं हिंदी क्षितिज का पाठ 3 श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसे प्रस्तुत करने आएंगे अध्यापक संजय जैन। तो बच्चों तोहफे का जब नाम आ गया तो ऐसा लगता है कि तोहफे में क्या मिला होगा मीना को। और मीना भी देखो दूर से आ रही है तोहफे का डिब्बा लेकर, तो देखते हैं उस डिब्बे में क्या छुपा है, क्योंकि तोहफा तो तोहफा होता है। तो चलते हैं मीना की दुनिया में और देखते हैं तोहफे में क्या आया है। नमस्ते। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी नमस्ते करने का क्या कारण। अरे भाई आज दिन ही इतनी खुशी का है, बताता हूँ। वो अपना रामू है ना, रामू, लोग पूछेंगे कि रामू कौन है ना, भाई रामू हमारे गांव का चहेता कुम्हार है, मिट्टी से बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाता है रामू। 5 दिन पहले रामू और उसकी पत्नी के घर एक नन्नी मुन्नी बिटिया का जन्म हुआ है और आज है उसकी छठी। पूरा गाँव रामू को तोहफा देने में जुटा हुआ है। हाँ? क्या कहा, मीना कहाँ है? ओह लो, वो रही मीना, वो भी अपने दोस्तों के साथ रामू के घर की तरफ ही जा रही है। जल्दी जल्दी चलो ना। और कितनी जल्दी चले मीना? वो देखो वीरू चाचा भी कैसे जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं। वीरू चाचा, वीरू चाचा, वीरू चाचा। अरे मीना, दीपू, सुमी, रानो, तुम लोग ऐसे भाग भाग के कहाँ जा रहे हो? रामू चाचा के घर। हाँ भाई, आज तो जिसे देखो रामू के घर की तरफ ही जा रहा है। मगर आप इस तरफ क्यों जा रहे हो वीरू चाचा? अरे मैं रामू का घर सजाने के लिए आम की पत्तियाँ और गेंदे के फूल लेने जा रहा हूँ। भाई मैं तो चला। अरे वो देखो, खान चाची भी फलों का टोकरा लेके रामू चाचा के घर की तरफ जा रही है। क्यों ना हम सब भी कोई तोहफा लेके जाए। मैं तो रामू चाचा की बिटिया के लिए एक बहुत प्यारी फ्रॉक सिलूंगी। और मैं सिलूंगा उसके लिए एक बहुत सुंदर निकर। ना तुम फ्रॉक दे सकती हो मीना, और दीपू ना ही तुम निकर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को सिलाई नहीं आती। अरे वो देखो वहाँ, ये तो बंसी काका है जो गांव के कुम्हारों को चिकनी मिट्टी देते हैं। लेकिन ये उतने उदास क्यों लग रहे हैं? ये तो रामू चाचा के सबसे अच्छे दोस्त हैं। चलो उनके पास चलते हैं। बंसी काका। मीना बिटिया आओ आओ बच्चे। बंसी काका, हमने तो सोचा कि आप रामू चाचा के घर पर। कैसे जाऊं बेटी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने दोस्त रामू को क्या तोहफा दूं। जमीन में गड्ढे खोदने वाले इस दिमाग को कुछ सूझ ही नहीं रहा। गड्ढे, एक मिनट बंसी काका, सुमी, रानो, दीपू जरा यहाँ आओ। तो बंसी काका,
हमने सब सोच लिया है। आप देखना, आपका तोहफा सबसे खास होगा और रामू चाचा और बसंती चाची उस तोहफे को हमेशा याद रखेंगे। आप बस अपना फावड़ा लेके हमारे साथ चलिए। फावड़ा? लेकिन फावड़ा क्यों? आप चलिए तो। आप चलिए तो, आप चलिए तो। अरे, ये मीना और उसके दोस्त बंसी को रामू के घर के पिछवाड़े में क्यों ले जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बच्चों, आखिर मुझे करना क्या है? आपको खोदना है एक गड्ढा। गड्ढा? लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे कि तोहफा देना। आप देखना, रामू चाचा और बसंती चाची को आपका तोहफा सबसे अच्छा लगेगा। लेकिन चलिए ना बंसी काका, यहाँ चाची पानी भर के रखती है। हाँ, वहाँ वहाँ ठीक रहेगा। बंसी चाचा, यहाँ गड्ढा खोदिए आप, ये जगह हैंडपंप से भी दूर है। कोई पौधा लगाना है क्या? आप शुरू तो करो काका, सब बता देंगे। लो भाई, जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया, गड्ढा खोद दिया। अब तो बता दो कि बधाई हो रामू, बधाई बधाई हो, बधाई हो। चलो जल्दी चलो। बधाई हो रामू। तुम्हें भी बधाई हो बंसी। रामू भैया जरा सुनिए तो। जी नरस बहन जी। रामू भैया, बिटिया की छठी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अब बसंती बहन और आपकी नन्ही सी गुड़िया दोनों आगे भी ठीक रहे, इसलिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। बसंती बहन को तो मैंने समझा दिया है, आप भी उन्हें याद रखिएगा। सबसे पहली बात, जब तक आपकी बिटिया 6 महीने की नहीं हो जाती, उसे माँ के दूध के सिवा और कुछ नहीं खिलाना पिलाना, पानी भी नहीं, ठीक है? जी बहन जी। एक और जरूरी बात, अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना, क्योंकि छोटे बच्चों को कीटाणुओं से बीमारियां लगने का ज्यादा खतरा होता है। लेकिन हमारा घर तो हमेशा साफ ही रहे। मैं जानती हूँ रामू भैया, लेकिन आपके घर में शौचालय तो है ही नहीं, बच्चे का मल कहाँ फेंकोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है बहन जी, कागज में लपेट के या फिर कपड़े से साफ करके कहीं भी बाहर फेंक देंगे? नहीं रामू भैया, ऐसे तो आपके पड़ोसी उन कीटाणुओं का शिकार हो सकते हैं, उसे कहीं दूर या फिर। दूर कैसे जाएंगे बहन जी, मैं अपना काम छोड़ नहीं सकता और बसंती अभी तो बाहर। बंसी काका, रामू चाचा को बताइए ना कि आपने वो गड्ढा खोद। नहीं मीना। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। रामू चाचा, रामू चाचा, बंसी काका ने आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा बनाया है, आइए ना, आइए ना, देखिए ना चाचा। अरे रामू भैया, आपके घर के पिछवाड़े में ये गड्ढा, ये किसने खोदा? पता नहीं। बंसी काका ने, यही तो है बंसी काका का तोहफा। नरस बहन जी, मैं तो। शाबाश बंसी भैया, मैं तुम्हारी समझ और सूझबूझ की दाद देती हूँ। देखो रामू, मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि अगर घर में शौचालय ना हो तो बच्चों के मल को पीने के पानी के स्रोत से कहीं दूर गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी या राख से दबा देना चाहिए। बंसी भैया के इस अनमोल तोहफे की वजह से अब आप कीटाणुओं से हमेशा बचे रहेंगे। बंसी मेरे भाई, तुम्हारा ये तोहफा मैं कभी नहीं भूलूंगा, धन्यवाद। धन्यवाद तो मीना और उसके दोस्तों को करो। मीना बेटी, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? अपनी टीचर बहन जी से। शाबाश मीना, शाबाश बच्चों। रामू भैया, तुम मिट्टी से इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाते हो, अब तुम्हें मेरे कहने पे एक और चीज बनवानी पड़ेगी। वो क्या बहन जी? अपने घर में एक शौचालय। और इसमें तुम्हारी मदद करूँगा मैं। सरपंच जी, आप? हाँ रामू, मैंने सब सुन लिया है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे गांव में मीना जैसे होनहार बच्चे हैं। तो कैसा लगा आपको मीना से मिलके? मजा आया ना? सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। न सोना न चांदी न हीरे मोती, असली दौलत प्यारे बस सेहत होती। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता है। भाई वाह, गीत तो अच्छा लिखा है मीना और मिट्टू ने। अब सुनते हैं यही गीत संगीत के साथ।
हीरे मोती असली दौलत प्यारे मसीहत होती ना सोना ना चांदी ना हीरे मोती असली दौलत प्यारे मसीहत होती कुदरत का तूफान बोल नहीं कोई सेहत का बोल साथ में मेरे दिल के बोल सेहत 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 अच्छी सेहत सेहत अच्छी चीजें खाओ स्वस्थ रहेगा तन भी मन भी सब सेहत से हाथ मिलाओ कुदरत का तूफान बोल नहीं कोई सेहत का मोल साथ में मेरे दिल के बोल सेहत 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 अच्छी सेहत सेहत बड़ा ही मजेदार था और अब वक्त है खेलने का आओ जरा देखे तो मीना की बहन जी आज कौन सा खेल खिला रही हैं प्यारे बच्चों आज खेलते हैं नाम अनेक अक्षर एक आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति जगह जानवर और वस्तु का नाम बताएंगे जी बहन जी तो आज का अक्षर है रा सबसे पहले बताओ रा से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम राजीव गांधी शाबाश सुमी राजीव गांधी कौन थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हाँ और वो किसके पुत्र थे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शाबाश मीना अब रा से किसी जानवर का नाम बताओ रीच रीच हाँ रीच यानी घने घने बालों वाला भालू शाबाश मनु अब रा से शुरू होने वाली कोई चीज रेडियो शाबाश दीपू और रेडियो का आविष्कार किसने किया था मैं बताती हूँ रेडियो का आविष्कार सन 1904 में मार्कोनी ने किया था किसने किया था मार्कोनी ने शाबाश अब रा से कोई जगह राजस्थान शाबाश मीना और राजस्थान की राजधानी जानते हो जयपुर हाँ और पता है रा से राजस्थान में है रा से रेगिस्तान और रेगिस्तान में होता है रेगिस्तान का जहाज रेगिस्तान का जहाज मैं बताऊं बहन जी हाँ हाँ मीना रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट बिल्कुल ठीक मजा आया बच्चों बहुत मजा आया तो आपको भी मजा आया ना फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना चाहे वो आपके सुझाव हो आपके विचार हो या आपके अनुभव और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003 सरल करे ये सबका जीना चतुर चपल है अपनी मीना अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो पहाड़े या हो गिन्ना कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल पढ़ो पढ़ा
बच्चों अभी आपने सुनी मीना की कहानी और अब हमारे कक्षा चार के विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे बुक्स और नोटबुक निकालकर, क्योंकि आज हम उनके लिए लेकर आए हैं हिंदी का पाठ 3 झीलों की नगरी, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं अध्यापिका सीमा खत्री। प्यारे बच्चों नमस्ते। यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की यात्रा में यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यात्रा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी देता है और आपको एक नई शुरुआत के लिए फिर से जीवंत महसूस कराता है। यह आपके सभी तनाव और चिंताओं को दूर करता है और आपके स्वास्थ्य और दिमाग को बेहतर बनाता है। हम अपने आसपास की सुंदर प्रकृति का पता लगा सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में किसी न किसी यात्रा के लिए कहीं न कहीं अवश्य जाया करते हैं, और जब मनुष्य कहीं यात्रा करके आता है और अपने अनुभवों के बारे में लिखता है, इसी को यात्रा वृतांत के नाम से जाना जाता है। यात्रा वृतांत का प्रयोग पाठक अपने मनोरंजन के लिए या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में आज हम भारत देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राजस्थान राज्य की झीलों की नगरी के यात्रा वृतांत के बारे में अध्ययन करेंगे। उदयपुर राजस्थान राज्य का मुकुट रत्न है और अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत मनोहारी है। पर्यटन की दृष्टि से यह शहर अत्यंत मनोरम है। महाराणा उदय सिंह के द्वारा सन 1567 में इस शहर की स्थापना की गई थी। पूर्व में मेवाड़ की राजधानी उदयपुर ही थी। इस शहर में प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और लुभावनी वास्तुकला की प्रचुरता है, जो कि इसको भारत का एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं। यह शहर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक आकर्षक शहर है। इस शहर के चारों ओर झीले ही झीले हैं। पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जन सागर आदि झीले हैं। इनके कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बरसात के दिनों में इन झीलों की छटा और सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। ये झीलें कश्मीर की झीलों की होड़ करती है। इसी कारण इस शहर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। फतेह सागर झील आकर्षण का केंद्र है। यह पिछोला झील से एक नहर द्वारा जुड़ी हुई है। झील के मध्य भाग में नेहरू उद्यान है, जो कि 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ नौका द्वारा पहुँचने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। रंगीन फवारों से सुसज्जित यह उद्यान पर्यटकों का पसंदीदा उद्यान है। यहाँ शाम से रात 10 बजे तक पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। फतेह सागर झील में ही उत्तर की ओर एक सूर वेधशाला बनी हुई है। सूर वेधशाला को अंग्रेजी भाषा में सोलर ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है। उदयपुर का आसमान सूर्य पर्यवेक्षण के लिए काफी अनुकूल है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का यहाँ अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, उदयपुर शहर एक ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल है। इस शहर ने बहुत कम समय में देश को कई देशभक्त दिए हैं। यहाँ का मेवाड़ राजवंश अपने को सूर्य से जोड़ता है। यहाँ का इतिहास निरंतर संघर्ष का इतिहास रहा है। यह संघर्ष स्वतंत्रता, स्वाभिमान तथा धर्म के लिए हुआ था। संघर्ष कभी राजपूतों के बीच तो कभी मुगल तथा अन्य शासकों के साथ हुआ। यहाँ जैसी देशभक्ति, उदार व्यवहार तथा स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट इच्छा किसी दूसरी जगह
देखने को नहीं मिलती है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी बहुत ही सुंदर है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम का सूरी, भामा शाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना झाला आदि की प्रतिमाएं भी लगी हुई है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। प्यारे बच्चों, फतेह सागर के पास ही उत्तर में नीमच माता का एक सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। लगभग 20 एकड़ में फैला इस शहर का चप्पा चप्पा मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास का गाथा गाता है। इसमें मेवाड़ और राजस्थान के शूरवीर महाराणा प्रताप की 57 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ की शान बढ़ाती है। यहाँ एक थिएटर भी बना हुआ है। देशभक्ति का मान जगाने के लिए इस थिएटर में महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। प्रमुख रूप से बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, मीराबाई, महारानी पद्मिनी, पन्नाधाय, उदय सिंह, भीलू राणा पुंजा, भामा शाह आदि शामिल हैं। इन मूर्तियों के साथ इन महापुरुषों और वीरांगनाओं का संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है। यह एक प्रेरणा का स्थल है। यहाँ विशाल भारत, गरिमा में राजस्थान और गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। प्यारे बच्चों, नैनाभिराम पिछोला झील 4 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी है। पिछोला झील एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण एक आदिवासी छू बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह पिछोला झील की सुंदरता से काफी मुग्ध थे, इसलिए उन्होंने झील के किनारे उदयपुर शहर का निर्माण करवाया था। पिछोला झील उदयपुर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। यह झील यहाँ आने वाले यात्रियों को अपनी सुंदरता और वातावरण से आकर्षित करती है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों, इमारतों और स्नान घाटों से घिरा यह स्थान शांति प्रिय लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। उदयपुर के इस पर्यटन स्थल पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। शाम के समय यह जगह सुनहरे रंग में डूबी हुई दिखाई देती है। यहाँ का खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। प्यारे बच्चों, सिटी पैलेस पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है तथा इसके पीछे के दृश्य की सुंदरता अविश्वसनीय है। झील के अंदर लेक पैलेस होटल, जग मंदिर एवं मोहन मंदिर स्थित है। सिटी पैलेस के पास बंशी घाट से पूरे दिन नौकायन की सुविधा आसानी से उपलब्ध रहती है। इस महल में महाराणा प्रताप महाराजा रहते थे और उनके उत्तराधिकारियों ने इस महल को और भी शानदार बना दिया और इसमें कई संरचनाएं जोड़ी। इस पैलेस में अब कमरे, आंगन, मंडप, गलियारे और छत शामिल है। इस जगह पर संग्रहालय भी स्थित है जो राजपूत कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ पिछोला झील से पृथक किया हुआ हिस्सा दूध तलाई माचला मंदिर, पहाड़ी के ढलान पर स्थित माणिक्य लाल वर्मा उद्यान एवं पहाड़ी की चोटी पर करणी माता का मंदिर भी देखने योग्य है। यहाँ का भारतीय लोक कला मंडल एवं संग्रहालय भारतीय लोक कला नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है।
यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है। यहाँ कठपुतली नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। प्यारे बच्चों, झीलों की इस नगरी में सहेलियों की बाड़ी तथा गुलाब बाग नाम से दो सुंदर सुंदर बगीचे हैं। सहेलियों की बाड़ी के नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पहले राजकुमारियाँ एवं उनकी सहेलियों की मनोरंजन का स्थल था, जहाँ सफेद संगमरमर के हाथी तथा भव्य ऊंचा फव्वारा आकर्षण का केंद्र है। यह गार्डन आज भी कई मायनों में अपने उद्देश्य को पूरा करता है और शहर की भीड़ भाड़ से बचने के लिए लोग इस स्थान पर आते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ पर्यटकों का मन मुग्ध कर देती हैं। यहाँ उदयपुर में घूमने वाली सबसे अच्छी जगह में से एक है। गुलाब बाग उदयपुर का सबसे बड़ा उद्यान है। गुलाब बाग में तरह तरह के गुलाब खिले हुए हैं। इन गुलाब के फूलों की भीनी महक से पर्यटकों को दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ पर रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना मन को आनंदित कर देता है। गुलाब बाग को सज्जन निवास उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बगीचे के आसपास के क्षेत्र में एक चिड़ियाघर स्थित है, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ शेर, चीते, भालू, बंदर, हिरण आदि पशु भी हैं। यहाँ पर शेर की दहाड़ें दूर से ही सुनी जा सकती है। यहाँ पर हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, उदयपुर की झीलों के किनारे वर्ष में दो बार मेले भी लगते हैं। हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। आसपास के ग्रामवासी सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मेले में तरह तरह के खिलौनों, मूर्तियों, कपड़ों तथा खाने पीने की चीजों की दुकानें लगती है। मेले में तरह तरह के झूले भी लगते हैं। बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी झूलों का बहुत आनंद लेते हैं। उदयपुर शहर अपने इतिहास, संस्कृति और आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक सपना सा लगता है। उदयपुर शहर के पूर्व में 13 किलोमीटर की दूरी पर उदय सागर झील स्थित है। यह झील महाराणा उदय सिंह के शासन काल के दौरान बनवाई गई थी। उदय सागर झील का शांत पानी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्यारे बच्चों, सुखाड़िया सर्किल उदयपुर शहर में एक गोल चक्कर है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर इस सर्किल का नाम रखा गया था। यह खूबसूरत जगह एक तालाब से घिरा हुआ है। यहाँ एक बड़ा सा बगीचा और झरना भी है। यहाँ पर पर्यटक तालाब में नौका विहार का आनंद लेते हैं। इंडो आर्यन शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण जगदीश मंदिर उदयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगदीश मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में बना हुआ है। यह एक बहुत ही आकर्षक मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्काशीदार खम्बे, सुंदर छत और चित्रित दीवारों के साथ यह एक बहुत ही सुंदर वास्तुशिल्प की संरचना है। इस 3 मंजिला मंदिर को महाराणा जगत सिंह द्वारा बनवाया गया था। जो भी इंसान एक बार इस मंदिर में आता है, इसकी सुंदरता, वास्तुकला और भव्यता को देखकर इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। प्यारे बच्चों, विंटेज कार संग्रहालय उदयपुर के खास दर्शनीय स्थलों में से एक है।
जो कि मोटर और कार में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। यह एक म्यूजियम है जिसका निर्माण हाल ही में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया। इस म्यूजियम में रोल्स रॉयल फैंटम जैसी पुरानी कारों का संग्रह किया गया है। लेक पैलेस भी उदयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लेक पैलेस पिछोला झील के कोने पर स्थित है। इसका निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। राजा को झील के किनारे बैठकर संगीत सुनना बहुत पसंद था, इसके लिए उन्होंने इस सुंदर पैलेस का निर्माण करवाया था। इस पैलेस को बॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत बार दर्शाया जा चुका है। प्यारे बच्चों, भारत सरकार द्वारा स्थापित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला का परिसर शिल्प ग्राम उदयपुर नगर के पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूर हवाला गांव में स्थित है। शिल्प ग्राम लगभग 70 एकड़ भूमि में फैला हुआ और अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह एक ग्रामीण कला और शिल्प परिसर है। यह स्थान कई कारीगरों को रोजगार देता है और कई सांस्कृतिक त्योहारों का केंद्र है। सांस्कृतिक त्योहार इस स्थान पर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की पारंपरिक घरों को दिखाया गया है। यहाँ पर इन राज्यों के शास्त्रीय संगीत और नृत्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT भी उदयपुर में स्थित है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उत्थान के लिए 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्थान में शिक्षा के प्रचार प्रसार से संबंधित, शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित तथा पाठ्यक्रम, पाठचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी यही किया जाता है। उदयपुर के भोजन में शाकाहारी व्यंजन शामिल है। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद यहाँ लिया जा सकता है। दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का स्वाद हर किसी के दिल में बस ही जाता है। यह शहर अपने किलों और झीलों के साथ साथ महलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यात्रियों का आदर्श पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक में यात्रियों का मेला ही लगा रहता है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा करने का एक अनुकूल समय है। रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर गर्मियाँ बहुत लगती है, इसलिए यहाँ पर अच्छा समय सर्दियों में ही घूमने का है। पढ़ा आपने पाठ झीलों की नगरी, मजा आया ना? क्योंकि झीलों की नगरी का नाम सुनते ही लगता है कि क्यों ना हम घूमने चले जाएं। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। हमें मास्क भी लगाना है और 2 गज की दूरी भी रखनी है।